देखिए, कक्षा 10वीं की जो गणित है, कक्षा 10वीं की गणित की जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, आपकी बुक NCERT की बुक आपकी कब चेंज हुई थी? सन 2019 से आपकी बुक चेंज हुई थी। तो 2019 का हमारे पास वार्षिक परीक्षा का पेपर है और 2020 का भी हमारे पास क्या है? वार्षिक परीक्षा का पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 साल के वार्षिक परीक्षा के पेपर को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे ताकि हमको एक गेसिंग हो सके कि परीक्षा में पेपर किस प्रकार से बन करके आएगा। और ब्लूप्रिंट बिल्कुल पिछले साल के आधार पर ही है ना, तो जो पेपर बन के आएगा इसी पैटर्न पर बन के आएगा, है ना। और जिस टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं उस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर हमको अच्छे से करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो शुरू में दिए रहते हैं वो क्या दिए रहते हैं? यहाँ पर आपके विकल्प वगैरह यहाँ पर आपको दिए रहते हैं। तो विकल्प वगैरह आपके जितने भी है वो तो आप कर लोगे, है ना। देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 6, इसका छठवां प्रश्न जो कि 2 नंबर का था, और यहाँ पर आपको छठवां सवाल ये बोल रहा है संख्या 6 और 20 का क्या निकालना है। यहाँ पर आपको HCF और LCM यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर में आया है, मैंने सवाल आप लोगों को करवा चुका हूँ। सवाल बहुत सरल है, 6 और 20 का आपको क्या निकालना है? लघुत्तम और महत्तम निकालना है। सवाल बहुत सरल है, मैंने आपको कल करवा चुका हूँ। कैसे करेंगे इसको? 6 के हम क्या निकाल लेंगे? 6 के इसको हल उतारना भी है ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड। हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 6, 2 का भाग जाएगा 2 3 6, 3 का भाग जाएगा 3 1 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा कितना 3। निकाल लिया यहाँ पर हमने LCM, है ना। इसके बाद अगला SC, है ना। इसके बाद हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके निकाल लेंगे? 20 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे क्या? 20 के अभाज्य गुणनखंड। इससे हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल है उसको 20 20 बार करके देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आ रहा है ना, है ना। इसको उतारते भी चलो, है ना। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके निकाल लेंगे? 20 के। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 1 कम 2, 2 0 0, फिर 2 का भाग जाएगा 2 5 10, है ना। 5 जाएगा 5 1 कम 5। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। 20 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा कितना 5। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको निकालना है HCF। यहाँ पर मैं निकाल लूँगा HCF। HCF कैसे निकालोगे? HCF निकालने का तरीका है 6 और 20 का हम क्या निकाल रहे हैं? HCF 6 कौमा 20 का। ऐसी संख्या जो दोनों के पास है, 1 2 इसके पास भी और 1 2 इसके पास भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 का आपका क्या बन गया? जोड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणा 1 2 इसके पास भी 1 2 इसके पास भी है, तो ये 2 का फिर क्या बन गया? आपका जोड़ा। 2 का जोड़ा बन गया, 2 2 ने कितना हो गया आपका? 4। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे 6 के 6 विषय के आपके पिछले 5 साल के पेपर आपको रटवाऊंगा, है ना। पूरे याद करना है आपको, पूरे अच्छे से बिल्कुल फोकस के साथ, ताकि एक रोड मैप अपन को पता चल सके, है ना। बाकी रिवीजन भी अपन करेंगे। HCF कितना निकल के आ गया यहाँ पर आपका? 2 2 कितना निकल के आ गया? 4 निकल करके आ गया। अब हम निकाल लेंगे LCM। क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम? LCM। किसका LCM निकाल रहे हैं? 6 कौमा 20 का। 6 कौमा 20 का हम निकाल रहे हैं LCM। LCM कैसे निकालते हैं? 2 2 सबसे अधिक किसके पास है? यहाँ पर भी 2 2 ही बार आया है, और यहाँ पर भी 2 कितने बार आया है? 2 ही बार आया है। तो 2 कितने बार आया है? 2 ही बार आया है। तो 2 यहाँ पर आया 2 बार, 2 गुणा कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 कितने बार आया है आपका? 5 यहाँ पर आपका 1 ही बार आया है, तो गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 5। क्लियर है? 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा 2, और 5 कितने बार आया? 1 बार आया। गुणम कितने लिख दिया यहाँ पर हमने? 5 लिख दिए। अब 2 2 नहीं 4, और 4 5 कितना हो गया यहाँ पर आपका? 20 20। ये हो गया आपका आंसर, है ना। क्लियर है? है ना। पिछले पैटर्न पर ही आपके बिल्कुल पेपर बन के आएंगे। फोकस से समझना बिल्कुल, है ना, है ना। लघुत्तम महत्तम वाले सवाल, ये सवाल कहाँ का है? ये सवाल कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। कहाँ का सवाल है? प्रश्नावली 1.2 का आपको क्या है? सवाल है। इतना करना है आपको, 2 नंबर आपके पक गए। क्लियर है? छठवा सवाल हो गया। अब इसके अधवा कौन सा सवाल आया था? अधवा वाला देख लो। इसके अथवा का सवाल, इसके अथवा में क्या आया था? इसके अथवा में क्या आया था? छठवा का कौन सा? अथवा वाला सवाल। यहां पर दिया है आपको संख्या 6 72 और 120 का क्या निकालना है यहाँ पर आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है?
HCF, LCM भी नहीं पूछा उसने, HCF पूछा है। सवाल जो पूछता है वो निकालते, इतनी इजी सवाल आ रहा है पेपर में ना, 100 में 100 नंबर तो तुम आराम से ला ही सकते हो। HCF निकालना है ना, यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 को हम लिख सकते, क्या 2 का भाग देंगे, 2 3 8 6, 3 का भाग देंगे, 3 1 3, 6 को हम लिख सकते 2 गुणा 3, 6 को हम क्या लिख देंगे 2 गुणा 3, 6 को हम लिख देंगे 2 गुणा 3। अब 72 के अभाज्य गुणनखंड 72 के भी हम निकाल लेंगे, किसे निकाल लेंगे, 72 के, 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ से 7 से आगे 2 3 6, 7 में 6 का कितना बचा 1, 1 पे 2 कितना हो गया 12, 2 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ से 3 से आगे 2 1 कम 2, है ना, 3 में 2 का बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 9 18, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 का भाग देंगे, 3 1 कम कितना हो गया 3 हो गया। 72 को हम लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना 3, लिख दिया यहाँ पर हमने 72 को, क्लियर है। इसके बाद 120 है, 120 की भी हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ किसके, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा, 2 6 12, 2 0 9 0, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 0 9 0, 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 3 में 2 का बचा 1, 1 पे 0 10, 2 5 6 10, 3 का जाएगा, 3 5 15, 5 जाएगा, 5 1 कम 5, 120 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या निकालना है यहाँ पर हमको, HCF निकालना है, HCF निकाल लूँगा। HCF निकालने का तरीका, जो सबके पास हो हम उसको लिखते हैं। HCF में किसको लिखा जाता है, ऐसी संख्या जो सभी के पास में है। देखो 2 2 2 2 2 2 सबके पास में, और 3 3 3 3 3 सबके पास में है, तो एक हो गया आपका 2 गुणा 1 हो गया आपका कितना 3। पेपर में अगर ऐसा बनाना मत, है ना, 2 3 कितना जाएगा यहाँ पर आपका 6, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। और ये अभाज्य गुणनखंड आपको वहीं साइड में निकालना है, छठवां सवाल यहाँ पर आपका ये हो गया। क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा, चलो मिटा दो इसको। पेपर सुलह करवा रहा हूँ मैं आपको, पेपर इसी पैटर्न पर आएंगे आपके सवाल, इस टाइप के सवाल बिल्कुल कॉपी में लिख लो, और इस टाइप के सवाल जितने भी आपके हैं, है ना, अच्छे से करना है। सवाल कहाँ से उठ के आया, प्रश्नावली 1.2 से उठ के आया, तो लिख लो प्रश्नावली 1.2 को, अच्छे से करके देखना है। क्लियर है, है ना। अब अगला आपका सातवां सवाल, सातवां सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, बारीकी समझेंगे। क्या हो गया, सातवां सवाल आपको बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहां पर आपको ज्ञात करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या दिया है, योग, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल कितना दिया यहां पर आपका, -3 और 2 है। सवाल वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ये अध्याय 2 का सवाल और प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 आपको अच्छे बारीकी से करके देखना है, प्रश्नावली 2.2 का सवाल है, मतलब अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 आपको बारीकी से करके देखना है। क्लियर है, तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसको हल करने का तरीका, गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसको मान के चलते हैं, क्या बोला मैंने, गणित में जो ज्ञात करना होता है वो हम क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो माना द्विघात बहुपद ax^2 + bx + c = 0 है, यहाँ पर हम डालेंगे हल, लिखो इसको, है ना, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
माना, द्विघात, बहुपद। क्या है आपका? x की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर कितना है? 0 है। मान लिए द्विघात बहुपद कितना है आपका? x की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर आपका कितना है? 0 है। हमने क्या मान लिया? ये द्विघात बहुपद हमने यहां पर मान लिए। मान लिए तथा तथा यहां पर क्या दिया है आपको? शून्यकों का योग और गुणनफल आपका ऋण है ना, ऋण 3 और यहां पर 2 दिया है। तो लिखेंगे मान है ना, तथा शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है? ऋण 3 दिया है। शून्यकों का योग कितना दिया है यहां पर आपका? ऋण 3 दिया है। तो जो दिया है वो लिखेंगे तथा दिया है, दिया है। क्या दिया है यहां पर आपका? शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या दिया है? योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर यहां पर कितना दिया है आपका? ऋण का 3 दिया है। तो यहां पर शून्यकों का योग बराबर कितना है? ऋण का 3। इतना दिया है ना, शून्यकों का योग कितना दिया है यहां पर आपका? ऋण का 3 दिया है। शून्यकों का होगा ऋण का 3। और शून्यकों का योग का शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। उसका मान कितना दिया है? ऋण का 3 दिया है। इतना दिया है, शून्यकों का योग कितना होता है आपका? माइनस बी बटे ए होता है। इतना ही होता है ना, माइनस बी बटे ए। इसका मान कितना दिया है? ऋण 3 दिया है। दिया है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है ऋण बी बटे ए। इसका मान दिया ऋण का 3 दिया है। इसके बटे में कुछ नहीं, कितना मान लेंगे यहां पर? हम 1 मान लेंगे। ऋण से ऋण क्या हो गया आपका? कट गया। ए का मान कितना जाएगा? ए का मान आ गया, ए का मान 1 के बराबर है। ए का मान कितना आ गया आपका? 1 आ गया। और ऋण से ऋण कट गया तो बी का मान कितना जाएगा? 3। बी का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अगला अगला यहां पर आपका दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है यहां पर आपका 2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है यहां पर आपका? 2 दिया है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया यहां पर आपका? 2 दिया है। यह दिया है 2। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका? शून्यकों का गुणनफल आपका होता है सी बटे। क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया मेरे को बताओ। तो यहां बात करना है कि फिर पढ़ना है यहां पे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है यहां पर आपका? सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका? सी बटे ए। बराबर का बराबर, 2 का हो गया 2। इसके बटे में कुछ नहीं, कितना मान लिया यहां पर हमने? 1 मान लिए। कितना मान लिए? 1 मान लिए। मतलब ए का मान कितना है यहां पर आपका? ए का मान आ गया आपका 1। और सी का मान कितना आ गया? सी बराबर 2। सी का मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अतः यहां पर फिर इसके नीचे लिखना, क्या लिखना? अतः। अब कंबाइन करके ए का मान भी 1, ए का मान भी 1, मतलब ए का मान कितना? ए बराबर 1 आ गया। बी का मान कितना आया? बी बराबर 2। और सी का मान कितना है आपका? 2। बी का मान आपका 3 है, बी का मान है 3। बी का मान कितना है आपका? 3। और सी का मान कितना है? सी का मान आपका यहां पर 2 है। सी का मान यहां पर कितना है आपका? 2 है। ए का मान 1, बी का मान 3, और सी का मान कितना है यहां पर आपका? सी का मान यहां पर आपका कितना है? 2 है। तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना था हमने। द्विघात बहुपद क्या माने यहां पर हम लिख, है ना, यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है यहां पर हमको? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। सवाल के बोल रहे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और शून्यकों का योग कितना दिया यहां पर आपका? ऋण का 3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया यहां पर आपका? 2 दिया हुआ है। दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद कितना हो गया आपका? ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये क्या है आपका? द्विघात बहुपद है। सवाल ने दिया है आपका शून्यकों का योग बराबर दिया ऋण का 3। तो यहां पर हम लिख देंगे शून्यकों का योग बराबर कितना है? ऋण का 3 है। और शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? ऋण बी बटे ए होता है। बराबर का हो गया बराबर, ऋण 3 का हो गया ऋण का 3। इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने कितना मान लिया? 1 मान लिया। अब ए बराबर 1, तो ए बराबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। ऋण से ऋण क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। बी बराबर 3, बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है। अगला यहां पर आपको दिया शून्यकों का गुणनफल, यहां पर आपको दिया है 2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आपको? 2 दिया है। यहां पर हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है? 2 है। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए होता है। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए होता है। क्लियर, याद कर लो शून्य का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। इसका मान कितना है यहां पर आपका? 2 है। इसके बटे में कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे यहां पर? हम
एक मान लेंगे, मतलब a बराबर एक, a का मान कितना है एक है, a का मान है एक, और c बराबर दो, c का मान यहाँ पर कितना है आपका दो है, कंबाइन करके लिख लेंगे a का मान एक, a का मान एक, b का मान तीन, b का मान तीन, और c का मान कितना दो, c का मान कितना हो गया दो। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी होता है, क्या होता है ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, यही माने थे ना हमने, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, द्विघात बहुपद का आपका सूत्र क्या होता है ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, यही होता है। अब यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर आपका ए का मान यहाँ पर आपका एक है, एक की घात एक, एक को लिखते क्या नहीं, एक्स की घात दो कहोगे एक्स की घात दो धन कहोगे धन, यहाँ बी लिखा है, बी का मान कितना है यहाँ पर आपका तीन है, बी का मान रख दिए तीन, एक्स का हो गया एक्स, धन का हो गया धन, और सी, सी का मान कितना है दो, सी का मान रख दिए दो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। अब अगला सवाल इसके अध्याय में क्या आया वो आप देखोगे, है ना, अध्याय दो का सवाल उठ के आया, कहाँ का है चैप्टर टू का सवाल है, और प्रश्नावली कौन सी आपकी 2.2 है, प्रश्नावली कौन सी आपकी 2.2 है, क्लियर है, प्रश्नावली 2.2 का आपका सवाल उठ करके आया है, अच्छे से करना है ना। अब इसके अथवा वाला सवाल, इसका जो अथवा का सवाल है सातवें का अथवा, सातवें का कौन सा आपका अथवा सवाल, सातवें का अथवा सवाल बोल रहा है 2x की घात 2 धन 3x धन 1 को एक्स प्लस टू से क्या करना है यहाँ पर आपको भाग देना है, किसको किससे भाग देना है यहाँ पर आपको 2x की घात 2 धन 3x धन 1 को आपको एक्स प्लस टू से क्या करना है भाग देना है, भाग देना बहुत आसान होता है समझिए। अब भाग देने का तरीका, हाँ सवाल कहाँ से आया है, प्रश्नावली 2.3 का सवाल है, कहाँ का सवाल है प्रश्नावली 2.3 का सवाल है, क्लियर है, बन जाएगा, प्रश्नावली 2.3 का क्या है आपका सवाल है, इसको नोट कर लो, बाजू में लिख लो प्रश्नावली 2.3, मतलब कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से करके देखना है, मैं पेपर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आपको सवाल समझा रहा हूँ, इस तरीके के सवाल आएंगे, इस पैटर्न के सवाल आएंगे, समझ रहे हो ना, है ना, एमपी बोर्ड का यही चलता है, पिछले पेपर के आधार पर आपके नए पेपर बनते हैं, है ना, इसलिए प्रश्नावली 2.3 आपको अच्छे से करके देखना है, लिख लो बाजू में इसको, सवाल उतारते चलो, पेपर है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा एमपी क्वेश्चन आपके हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना, मेथड पकड़ में रखना है, क्या पकड़ में रखना है मेथड, कि सवाल ने पूछा क्या और कौन सी मेथड से हमने इसको कर रहे, इसको आपको इससे भाग देना है, यहां पर डालेंगे हम हल, ये बड़ा वाला है इसमें भाग देना है, इसको बिल्कुल बीचम बीचम लिख देंगे, 2x की घात 2 का हो गया 2x की घात 2, धन 3x का हो गया धन का 3x, प्लस 1 का हो गया प्लस का 1, लिख लिए कोई दिक्कत, इतना लिख लिए। अब x प्लस 2 से भाग दे रहा है, ये दे रहा हूं मैं किससे भाग, x प्लस टू से मैं क्या कर रहा हूँ भाग दे रहा हूँ, भाग देने का तरीका, इस बड़े वाले बहुपद का पहला पद उठाओ, इस बड़े वाले बहुपद का पहला पद क्या है 2x की घात 2 है, ठंडे दिमाग से, इस बड़े वाले बहुपद का पहला पद क्या है 2x की घात 2 है, यहाँ पर लिख लूँगा मैं 2x की घात कितनी 2, कोई बड़ा काम है क्या, क्यों बड़ा काम है कुछ, सरल है ना। अब इस बहुपद का पहला पद क्या है x है, इस बहुपद का पहला पद क्या है x है, इस बहुपद का पहला पद हो गया 2x की घात 2, क्लियर, और इस बहुपद का पहला पद क्या हो गया x हो गया, इस बहुपद का पहला पद क्या हो गया x हो गया, बटे में लिख दो x, कोई हेडिक है क्या नहीं, इसका पहला पद हो गया 2x की घात 2, मैंने ये लिख दिया, और इसका इसका पहला पद क्या हो गया आपका x, बटे में मैंने कितना लिख दिया x लिख दिया, ठंडा दिमाग से कर ले इतना। अब ऊपर है 2x और नीचे 1x है, नीचे के 1x के ऊपर का 1x कट गया, तो 2x में से 1x कट गया, सिर्फ कितने x बचे 2x में से 1x कट गया, कितने x बचे 1x बचेगा ना, अरे 2x में से 1x कट गया कितने x बचेगा 2x में से 1x कट गया कितने x बचेगा 1x बचा, 2 का हो गया 2 बचा, और x का यहां पर कितना बचा x बचा, क्लियर, ये जो 2x बचा बचा इसको जहां पे लिख लो, इतना कर लोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्यों बन जाएगा, क्लियर है। अब इस 2x में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ये कितना है आपका x प्लस टू है,
एक्स प्लस टू का हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, एक्स प्लस टू का यहाँ पर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर देंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, दो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू में करना है, दो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू में करना है। क्लियर, फोकस से समझो बिल्कुल। इसका गुणा इससे जाएगा दो का हो गया दो, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स की घात दो, इसका गुणा कोष्टक से हो रहा मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, धन का हो गया धन, दो दूनी कितना हो गया आपका चार, एक्स का हो गया एक्स, कर दिया मैंने गुणा इतना आ गया, आगे इतना। अब ये घात दो वाला पद है, घात दो वाला पद घात दो वाले पद के नीचे आएगा और एक्स वाला पद है एक्स वाले पद के नीचे आएगा। क्लियर है, ये है दो एक्स की घात दो, तो ये जाएगा किसके नीचे, दो एक्स की घात दो के नीचे। ये है एक्स वाला पद, चार एक्स जो है वो कौन सा वाला पद है, एक्स वाला पद, तो किसके नीचे आएगा, एक्स वाले पद के नीचे आएगा। दो एक्स की घात दो का हो गया दो एक्स की घात दो, धन चार एक्स का हो जाएगा आपका धन का चार एक्स। अब यहाँ पर हम घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं आपके, पलट जाते हैं। इसके सामने धन का चिन्ह काय का, धन का काय का हो जाएगा ऋण का, इसके सामने धन का चिन्ह धन वाला काय का हो जाएगा ऋण का, बटे में दो एक्स की घात दो माइनस दो एक्स की घात दो, दो एक्स की घात दो में से दो एक्स की घात दो अपन ने घटाया, कितना बचा आपका जीरो बचा, कितना बचा जीरो। अब तीन एक्स यहाँ पर धन का है और चार एक्स यहाँ पर काय का है ऋण का है, जब एक संख्या धन वाली हो एक संख्या ऋण वाली हो तो क्या होता है बड़े में छोटी संख्या घट जाती है, तो चार एक्स में से तीन एक्स गया, कितने एक्स बचेगा यहाँ पर एक ही एक्स बचेगा, चार एक्स ऋण का है तीन एक्स धन का है, चार एक्स में से एक एक्स गया कितने एक्स बचेंगे यहाँ पर एक ही एक्स बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की है, बड़ी संख्या चार है ना, बड़ी संख्या ऋण की है तो चिन्ह काय का आएगा आपका ऋण का आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप है ना, और धन का एक हो जाएगा आपका धन का एक, इतना कर लिए कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगला हर हर भाग देने वाले जितने भी सवाल आएंगे हर सवाल में आपको यही करना है, गणित की मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगी है ना, मेथड पकड़ो बिल्कुल, मेथड में पकड़ बनाओ, सवाल भी समझना है और है ना उतारना भी है। अब इस अब वही करना, इसका पहला पद माइनस एक्स, इसका पहला पद क्या है माइनस एक्स, इसका पहला पद क्या है, क्या है पहला पद माइनस एक्स है, माइनस एक्स यहां पर हम क्या लिख लेंगे माइनस एक्स लिख लिए। अब इसका पहला पद क्या है आपका एक्स, इसका पहला पद क्या है एक्स है, तो बटे में कितना लिख लिया यहां पर हमने एक्स लिख लिया। क्लियर है, इसका पहला पद हो गया एक्स ये लिख दिया, इसका पहला पद हो गया एक्स ये बटे में मैंने ये लिख दिया। अब नीचे के एक्स से ऊपर का एक्स क्या हो गया कट गया, कितने बार गया एक बार गया, तो माइनस वन बचा, इस माइनस वन को मैं यहां पर ये उतार लिया। क्लियर है, उतार लिया माइनस वन को मैंने यहां पर, माइनस वन को मैंने ये उतार लिया। अब इस माइनस वन का गुणा हम इससे करेंगे डायरेक्ट कर दूं गुणा में कर दूं, तो ऋण का गुणा हो जाएगा, देखो ऋण इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह, तो ऋण गुणा धन क्या हो गया आपका ऋण, और एक गुणित एक्स तो एक्स से कम कितना हो गया आपका एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया जी हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो ऋण गुणा धन हो जाएगा आपका ऋण, और एक गुणित दो तो दो एक कम कितना हो जाएगा आपका दो। अब घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं पलट जाते हैं, ऋण वाला हो जाएगा आपका धन का और ऋण वाला हो जाएगा आपका धन का। अब एक एक्स ऋण का एक एक्स धन का ये कैंसिल हो गया, दो भी धन का और एक भी धन का, दो कितने जाएंगे आपके तीन हो गए यहां पर आपके तीन। क्लियर है, तो भाग देने पर यहां पर आपका भागफल कितना आया, भागफल आपका आया दो एक्स माइनस वन, शेषफल कितना आया तीन आया, तो यहां पर लिख लेंगे आंसर, इसके नीचे लिखना लिख लेना क्या आंसर, अतः भागफल भागफल बराबर कितना आया आपका दो एक्स माइनस वन आया, भागफल आया दो एक्स माइनस वन और शेषफल कितना आया यहां पर आपका तीन आया, शेषफल कितना आया आपका तीन, ये हो गया आपके आंसर। तो भैया क्या करना है आपको खटाखट 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 इसको उतार लेना है, तेजी के साथ कर लो इसको उतार लो, और प्रश्नावली 2.3 का सवाल है, 2.3 की प्रश्नावली को अच्छे से बिल्कुल रगड़ रगड़ कर लो बिल्कुल, जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह है ना। क्लियर है, अब देखो आठवां सवाल उतार लेना इसको, इसका सामाजिक ज्ञान पूरी रटवाना तुम लोग को, पिछले 5 साल सामाजिक ज्ञान रट लोगे ना,
पिछले 5 साल की तुम समाज विज्ञान रट लिए, समझ लो कि 80 से ऊपर नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद फिर अंग्रेजी भी करेंगे अपन पिछले 5 साल के, वो भी तुमको पूरी याद करवाना है ना। तुम लोग को एक एग्ज़ाम मिल लूँगा, है ना, पता चलेगा हम कितने नंबर तुम बार्थिंग में ला सकते हो, फेल हो रहे पास हो रहे, पता चलना चाहिए ना, है ना। एग्ज़ाम लूँगा मैं, 3 घंटे का रहेगा। देखो अगला आपका 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है आपका, क्या है बिंदुओं, 8वां प्रश्न है आपका बिंदुओं 2.3 एवं 4.1 के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरियां ज्ञात करो, दूरियां ज्ञात करो, दो बिंदु के बीच की दूरी करना है। कौन सा अध्याय का है, अध्याय 7 का, चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, यहां लिख दे रहा हूं। चैप्टर कौन सा आपका, 7 से क्वेश्चन आया था, प्रश्नावली कौन सी, समथिंग याद है किसी को, पर हाँ प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली कौन सी आपकी 7.1, 7.1 का आपका सवाल है, प्रश्नावली 7.1 का आपका सवाल है। यहां पर आपको दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना बहुत आसान होता है, सिर्फ एक सूत्र लगता है, दूरी सूत्र। कौन सूत्र लगता है आपका, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र होता है आपको करणी में x2 - x7 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है, इसको हल करने का बहुत आसान तरीका, हल करा सूत्र यहां पर होता है, है ना, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर क्या होती है, सूत्र यहाँ पर आपको होता है x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2। ये सूत्र आपको याद रखना है, फिर दूरी वाले जितने भी सवाल आएंगे आपके, आप चटापट चटापट कर लोगे बिल्कुल, है ना, अच्छे से कर लो बिल्कुल, खट सॉरी खटा खट बोलना सब क्या निकल गया, चटापट है ना, है ना। देखो ना दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदु, पहला बिंदु x1, y1, दूसरा बिंदु आपका x2, y2 के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है, करणी में x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2, याद कर लो बिल्कुल, यही कंटेक्स्ट आना चाहिए। क्या होता है, करणी में x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2, करणी में x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2, करणी में क्या, x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2, इतना ही होता है। अब यहां पर x1 है, x1 का मान कितना है आपका, 2 है, यहां पर हम लिख लेंगे x1 का मान कितना है आपका, 2 कोमा, यहाँ है y1 और यहाँ पर है 3, y1 का मान कितना है यहाँ पर आपका, 3, यहाँ है x2 का मान कितना है आपका, 4, x2 का मान आपका है 4, और यहाँ पर है y2 का मान कितना है यहाँ पर आपका, 1, y2 का मान कितना है यहाँ पर आपका, 1 है। क्लियर है ना, इतना ही मान है, इतना ही है ना, ये शुरू में x1 ये है, x1 का मान कर 2 और y1 का मान है 3, x2 का मान है 4, x2 का मान है 4 और y2 की जगह कितना है यहाँ पर, 1 है, तो y2 का मान कितना है यहाँ पर आपका, 1 है। क्लियर बन जाएगा इतना सबसे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर तब, अरे तब बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु 2.3 और बिंदु 4.1, 4.1 के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमारा बिंदु पहला जे वाला हो गया 2.3 और दूसरा बिंदु हो गया 4.1, ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। और दूरी निकालने का दूरी सूत्र क्या होता है, हमारा दूरी सूत्र होता है करणी के अंदर क्या होता है बेटा, x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2, जे होता है, होता नहीं होता है, अरे होता है बोलो ना, प्यार से बोलो, राधे राधे, वे कौन आए थे, बाल प्रभु है ना, अरे बोलो ना, मजा आती क्यों, देखो ना,
देखो ना, करणी का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करणी, करणी का क्या हो गया, करणी। इसके बाद कोष्टक का हो गया कोष्टक। एक्स टू का मान कितना है, एक्स टू का मान आपका है चार, एक्स टू का मान कितना है चार, तो एक्स टू का मान कितना रख दिया मैंने चार, माइनस का माइनस। एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का मान है मेरा दो, तो एक्स वन का मान कितना रख दिया दो, घात दो का हो गया घात दो, क्लियर। धन का हो गया धन, वाई टू का मान कितना, वाई टू का मान एक, ये रख दिया एक, माइनस का माइनस। और बाय वन का मान कितना, बाय वन का मान तीन, बाय वन का मान कितना तीन, घात दो का हो गया घात दो। देखो एक शॉर्टकट तरीका, पहला बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन, दूसरा बिंदु एक्स टू कोमा बाय टू, तो सूत्र क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, 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 मतलब इस कोष्टक का पहला वाला माइनस इस कोष्टक का पहला वाला, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब इस कोष्टक का पहला वाला एक्स टू माइनस इस कोष्टक का पहला वाला एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब चार माइनस दो, डायरेक्ट चार माइनस दो, क्लियर। फिर अगला आता है आपका बाय टू माइनस वाई वन, यही है ना, बाय टू माइनस वाई वन, इस कोष्टक का बाद वाला माइनस इस कोष्टक का बाद वाला, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, इसका वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है आपका एक, माइनस वाई वन कितना है आपका तीन, एक माइनस कितना तीन, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्लियर है, सरल है, बराबर का हो गया बराबर। अब करणी के अंदर चार में से दो गए, कितना बचेगा, चार में से दो गए दो बचा, घात दो का हो गया घात दो, धन का हो गया धन, तीन में से एक गया कितना बचा दो, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा जाएगा ऋण का, तीन में से दो का बचा ए, तीन में से एक गया बचा दो, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा जाएगा ऋण का, घात दो का हो गया घात दो। अब इसी की आय कर रहा हूँ ना, बराबर करणी का हो जाएगा आपका करणी, अरे दो की घात दो कितना होता है, दो की घात दो, दो दुनी चार, धन का हो गया धन, ऋण की घात दो क्या होती है, ऋण की घात दो, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा तुम्हारा धन, अरे ऋण की घात दो मतलब ऋण का दो बार गुणा होगा ना, और ऋण गुणा ऋण का हो जाएगा, अब ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, और दो की घात दो, दो दुनी कितना हो जाएगा चार, दो दुनी चार, बराबर करनी में चार और चार कितना होता है, चार और चार आठ, अब आठ को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणा दो गुणा दो, अरे दो दुनी और चार दुनी, अरे दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ को हम जे लिख सकते हैं, यहाँ पर दो का जोड़ा बन गया, तो भैया जिसका जोड़ा बन जाता है वो करणी के कहाँ जाता है, बाहर जाता है, दो करणी के बाहर, अब करणी के अंदर सिर्फ कितना बचा दो, ये हो गया आपके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया ना, हो गया आंसर, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब अगला मिटा दो इसको, अब इसी के अथवा वाला सवाल मिटा दो ना, उतार लिए पक्का, चलो उतारते भी चलना इसको है ना, कारी मत करना कभी भी है ना, घड़ी दीड़ी करने में और लिखने में, अब आठवें का अथवा सवाल क्या आया था, आठवें का कौन सवाल, अथवा वाला सवाल, क्या हो गया रे, क्या 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 पगलाई लगा के रखे, मोबाइल लेके नहीं आना कल से, है ना, मोबाइल लेके नहीं आना, आठवें का अथवा सवाल क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिभुज, अब त्रिभुज कहां से आ गया भैया, देखो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर आपको ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष, जिसके क्या दिया यहाँ पर आपको, क्वेश्चन लिखो, शीर्ष क्या दिया है, पहला शीर्ष एक कोमा ऋण एक, अगला यहाँ पर आपको दिया है ऋण चार कोमा छः, अगला आपको दिया है ऋण तीन कोमा ऋण का पाँच, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये भी अध्याय सात की सवाल है, कहाँ का सवाल है,
अध्याय सात का आपका क्या है सवाल है, उस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। अरे त्रिभुज के क्या ज्ञात करो, शीर्ष। सवाल अध्याय कौन से का है आपका, अध्याय सात का आपका सवाल है ना। तो अध्याय सात का आपका सवाल है, सवाल है आपका बहुत सरल, इसको उतारो बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कभी भी निकालने के लिए आपसे निकालते बनना चाहिए, जिसके शीर्ष, इसका पहला शीर्ष ये दिया, दूसरा शीर्ष ये दिया, तीसरा शीर्ष आपका ये दिया है। इसका मतलब समझो, ये हो गया आपका त्रिभुज, त्रिभुज को मैंने नाम दिया ए बी सी। इसका शीर्ष ए कितना है, इसका शीर्ष ए ये लिखा है एक कोमा ऋण एक, शीर्ष एक हो गया कितना आपका एक कोमा ऋण का एक। शीर्ष बी कितना दिया यहाँ पर आपका, शीर्ष बी यहाँ पर आपका दिया ऋण चार कोमा छः। शीर्ष बी क्या हो गया आपका ऋण चार कोमा छः। और शीर्ष सी क्या हो गया आपका, मेथड याद रखना बिल्कुल, फोकस से उतारो ना, क्लियर है। शीर्ष सी क्या हो गया आपका, शीर्ष सी यहाँ पर आपका हो गया ऋण तीन कोमा ऋण का पाँच। कोई दिक्कत इतना बनाने में नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर डालेंगे हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः, शीर्ष ए कितना है आपका एक कोमा ऋण एक, एक कोमा ऋण का एक। शीर्ष बी कितना है यहां पर आपका, शीर्ष बी है यहां पर आपका ऋण चार कोमा छः, शीर्ष बी है ऋण चार कोमा छः। और शीर्ष सी कितना है यहां पर आपका, शीर्ष सी यहां पर आपका ऋण तीन कोमा ऋण का पाँच, शीर्ष सी है ऋण तीन कोमा ऋण का पाँच। ये हो गया यहां पर आपके क्या शीर्ष, हो गए यहां पर आपके शीर्ष। अब तब पहले शीर्ष को हम मानते हैं एक्स वन कोमा वाई वन। क्या बोला मैंने, पहले शीर्ष को हम क्या मानते हैं एक्स वन कोमा वाई वन, दूसरे शीर्ष को हम मानते एक्स टू कोमा वाई टू, दूसरे शीर्ष को हम क्या मानते हैं एक्स टू कोमा वाई टू, और तीसरे शीर्ष को हम क्या मानते हैं एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। क्लियर है। तो एक्स वन का मान कितना हो जाएगा, एक्स वन का मान आपको हो जाएगा एक, एक्स वन का मान हो गया एक कोमा, वाई वन का मान कितना हो गया आपको, वाई वन का मान हो गया ऋण का एक, वाई वन का मान ऋण का एक। इसके बाद एक्स टू कोमा वाई टू, एक्स टू का मान हो जाएगा आपका ऋण का चार, एक्स टू का मान हो गया ऋण का चार कोमा, वाई टू का मान कितना हो जाएगा छः, वाई टू का मान कितना हो गया छः कोमा, एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, एक्स थ्री का मान हो गया ऋण का तीन, एक्स थ्री का मान हो गया ऋण का तीन कोमा, वाई थ्री, वाई थ्री का मान हो गया ऋण का पाँच, वाई थ्री का मान कितना हो गया ऋण का पाँच। क्लियर है, है ना। यहाँ पर आपने क्या निकाल लिए, मान निकाल लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अब लगा देंगे यहाँ पर हम सूत्र। क्या लगा देंगे, सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका, एक बटे दो ब्रैकेट में एक्स वन बाय टू माइनस वाई थ्री धन एक्स टू बाय थ्री माइनस वाई वन धन एक्स थ्री बाय वन माइनस वाई टू। ये आपका क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है आपका सूत्र होता है। देखो फिर से अब फोकस से समझेंगे ना। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, किसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, एक बटे दो, यही याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक बटे दो, क्या बोला मैंने, एक बटे दो ब्रैकेट में एक्स वाई वाई, सिर्फ इतना लिखना एक्स वाई माइनस वाई, लिख दिए। फिर एक्स
बाय माइनस बाय, फिर एक्स बाय माइनस बाय, क्या बोला मैंने, एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस बाय, फिर एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस बाय, फिर एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस बाय। मैं बोलूँ एक बटे दो बड़ा वाला कोष्टक, बड़ा कोष्टक के अंदर एक्स छोटे कोष्टक में बाय माइनस बाय, धन एक्स कोष्टक में बाय माइनस बाय, फिर धन एक्स बाय माइनस बाय, लिख लिए। अब कोड 123 331 312, क्या बोला मैंने, 123 वन टू का थ्री, थ्री टू टू थ्री का वन है ना, और यहाँ पर तीन टू का वन है ना। कोड क्या है, 123 123। देखो मैंने कैसे याद किया था मालूम है, करने का तरीका, यहाँ पर शुरू में तो एक्स वन ही लेना है, यहाँ पर शुरू में एक्स टू लेंगे और यहाँ पर एक्स थ्री लेंगे, वन वाला हो गया, टू वाला भी हो गया और थ्री वाला भी हो गया। अब अगर यहाँ पर वन वाला लिए है तो यहाँ पर टू माइनस थ्री ले लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर टू वाला हो गया तो यहाँ पर थ्री माइनस वन ले लेंगे है ना, और यहाँ पर अगर थ्री वाला है तो यहाँ पर वन माइनस टू लेंगे, क्लियर। टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन और वन माइनस टू, 23 31 12। ये तो एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया, ये तो याद कर लिया आपने, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये कितना हो गया 23 31 12, क्या बोला मैंने, 23 31 12, याद कर लो 23 31 12, 23 31 12। बिन देखे लिख के दिखाओ एक बार, देखना मत, बिन देखे लिख के देखो, तुम्हारी कैचिंग पावर पता चलेगा कि तुम्हें याद कितनी देर में होता है, बिना देखे लिख के दिखाओ, फिर खुद ही चेक करना और फिर बताना कि मेरा सही, देखना नहीं बिन देखे, जो ध्यान से समझ रहा है ना वो लिख भी लेगा बिन देखे, और जिन्हें ध्यान से नहीं समझा वो नहीं लिख पाएगा। दिक्कत कोई भी लिख लेगा, हो गया सही लिखे क्यों, ओ पूजा सही लिखी, उधर बाजू में रानी, तो याद करो उसको, और इधर ये, हो राजा बाबू बनो का नहीं बनो, बन गया आफरीन, हो गया बन गया सही है। देखो अब मान रखूंगा बराबर का हो गया, बराबर एक बटे दो का क्या हो जाएगा आपका, एक बटा दो, ब्रेकेट का ब्रेकेट, एक्स वन का मान कितना है आपका, एक्स वन का मान, एक्स वन का मान कितना है, एक है, एक्स वन का मान कितना रख दिया, एक, ब्रेकेट में देखो वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू का मान कितना है, वाई टू का मान कितना है आपका, वाई टू का मान है आपका छः, वाई टू का मान छः, माइनस का हो गया माइनस, वाई थ्री का मान कितना है, वाई थ्री का मान है माइनस का पाँच। तो यहाँ गलती करते कई लोग, ये बाय टू का मान तो छः का छः लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, अब बाय थ्री का मान कितना है माइनस पाँच, तो कोष्टक के अंदर माइनस पाँच लिखना पड़ेगा, ऐसा समझ में आया, क्योंकि ये माइनस ये सूत्र का है और ये माइनस इसके ऑलरेडी वाला माइनस है, क्लियर। अब धन का हो गया धन, एक्स टू का मान कितना है, एक्स टू का मान है ऋण का चार, तो एक्स टू का मान रख देंगे ऋण का चार, अब ब्रैकेट में बाय थ्री का मान कितना है, बाय थ्री का मान है माइनस पाँच, वाई थ्री का मान माइनस पाँच, माइनस का माइनस, वाई वन का मान कितना है, बाय वन का मान है माइनस वन, तो बाय वन का मान कितना रख देंगे माइनस वन, है ना। ये कोष्टक क्या कर दिया मैंने यहाँ पर आपका, बंद कर दिया बंद, क्लियर है, कहाँ दिक्कत, पूछ लो पूछ लो। धन का हो गया आपका धन, एक्स थ्री का मान कितना है यहाँ पर आपका, एक्स थ्री का मान है आपका ऋण का तीन, एक्स थ्री का मान कितना रख दिया मैंने ऋण का तीन, अब ब्रैकेट में वाई वन का मान कितना है, वाई वन का मान है आपका ऋण का एक, तो वाई वन का मान कितना रख दिया ऋण का एक, ऋण का हो गया ऋण, और बाय टू का मान कितना है, बाय टू, वाई टू का मान है आपका छः, वाई टू का मान कितना रख दिया मैंने छः, एक कोष्टक बंद कर दिया। बराबर का हो गया बराबर, एक बटे दो का हो गया एक बटे दो, अब ब्रैकेट में एक का हो गया एक, ब्रैकेट में छः का हो गया छः, ऋण गुणित ऋण हो गया आपका धन, पाँच का हो गया पाँच,
पांच का कितना हो गया आपको यहां पर, पांच हो गया। अब धन गुणा ऋण का हो गया ऋण, चार का हो गया चार, ब्रैकेट में ऋण पांच हो गया ऋण का पांच, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा आपका धन, और एक का हो गया एक, धन गुणित ऋण ऋण, तीन का हो गया तीन, ब्रैकेट में ऋण एक का हो गया ऋण का एक, ऋण छह का हो गया ऋण का छह, ब्रैकेट हो गया आपका बंद। क्लियर है, ब्रैकेट क्या कर दिया यहां पर हमने, इसको बंद यहां पर हमने कर दिए। अब बराबर का हो गया बराबर, एक बटे दो का हो गया एक बटे दो, ब्रैकेट में एक का हो गया एक, गुणा छह धन पांच, छह और पांच कितने होते हैं ग्यारह, ऋण चार का हो गया ऋण का चार, गुणा पांच ऋण का एक धन का, क्या बोला मैंने, पांच ऋण का एक काय का धन का। जब एक संख्या धन वाली एक ऋण वाली घट जाती है, पांच में से एक का कितना बचा चार बचा, बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह काय का जाएगा ऋण का, पांच में से एक गया चार बचा और बड़ी संख्या पांच है, पांच के सामने ऋण का चिन्ह लगा, इस सामने चिन्ह का जाएगा ऋण का जाएगा, ऋण तीन का होगा ऋण का तीन, ब्रैकेट में एक भी ऋण वाला और छह भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाला जुड़ते हैं और चिन्ह काय का आता है ऋण का, तो ऋण एक और ऋण छह को जाएगा यहां पर ऋण का सात, क्यों जाएगा ऋण का सात, ऋण का सात, ब्रैकेट कर दी यहां पर हमने बंद। एक बटे दो का होगा एक बटे दो, उतारते भी चलना इसको ना, है ना, उतार रहे हो ना, उतारते हुए चलना, एक बटे दो का हो जाएगा एक बटे दो। अब हल करेंगे, ग्यारह कम ग्यारह, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन, चार गुणा चार, चार चौ सोलह, ऋण गुणा ऋण हो गया धन, तीन सात कितना हो गया आपका इक्कीस, बराबर एक बटे दो का हो गया एक बटे दो, ब्रैकेट में हल करो, छः और एक कितना हो गया सात, सात और एक कितना हो जाएगा आपका आठ, सबको जोड़ देना है, छः और एक सात, सात और एक कितना हो गया आठ, और दो और एक हो गया तीन, तीन और एक कितना हो गया आपका चार, बराबर 48 में दो का भाग दो, तो दो एक कम दो, दो दुनी चार और दो चौ आठ, 24, 24 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल काय में आता है आपका वर्ग में आता है, 24 वर्ग मात्रक, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका आंसर, पूरी सफाई से करना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे पेपर में। क्लियर है, उतार लो उसको, अरे उतार लियो, परीक्षा दिन में अच्छे सवाल दिए यार, प्रैक्टिस के हिसाब से मेरे हिसाब से तो रिवीजन करने से अच्छा कि परीक्षा दिन खत्म करो अपन, छः के छः विषय की, क्यों, उसी में फायदा है। तो अगला सवाल क्या है यहाँ पर आपका, अगला सवाल यहाँ पर प्रायिकता वाला सवाल है, अध्याय नौ का सवाल है, उतार दी इसको, मिटा दूँ, देखो नोवा सवाल, सवाल कौन सा आपका नोवा सवाल, नोवा सवाल क्या बोल रहा है, नोवा सवाल यहाँ पर आपका ये बोल रहा है, नोवा सवाल सुनना, नोवा सवाल बोल रहा है दो खिलाड़ी, अध्याय 15 का सवाल है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती है, दो खिलाड़ी कौन कौन है आपकी, संगीता, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, क्या खेल रही है संगीत का वो, क्या खेल रही है यहाँ पर आपका संगीता और रेशमा क्या कर रही है, टेनिस का मैच खेल रही है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, संगीता, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है आपको ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, क्या ज्ञात करना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमको यहां पर, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करना है। ये सवाल आपका अध्याय 15 प्रायिकता वाले पाठ का सवाल है,
चैप्टर कौन सा आपका 15, प्रैक्टिस वाले पार्ट का सवाल है और एग्जाम्पल में ढूंढना, एग्जाम्पल में आपको ये सवाल आराम से मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 5 है, अध्याय 15 का एग्जाम्पल 5 आपका सवाल है, मैंने करवा भी चुका हूँ ना। तुम गणित जब घर में गणित की प्रैक्टिस करोगे तुम कहीं दिक्कत जाएगी ना, नहीं बन रहा है तो वहाँ पर सवाल का नंबर डालना, कक्षा क्लास 10 कक्षा 10वीं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 इसके वाला सवाल है, और लास्ट में टाइप कर देना भारतीय शेर, तो मेरा वाला वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा, उसे फिर से आप लोग समझ करके कर सकते हो। मैं लास्ट में भारतीय से ज़रूर डालना तो ही मेरा आएगा, दूसरे का जाएगा किसी है ना, ऐसा रहेगा। हाँ किसी से समझ लो, मगर जिससे समझना है उससे आप समझ सकते हो, है ना। देखो अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर हम हल डालेंगे। यहाँ पर आपको दिया है संगीता के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पर क्या दिया है आपके, संगीता के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर आपको, संगीता के जीतने की प्रायिकता, पी एस, पी मतलब प्रायिकता और एस मतलब संगीता, संगीता के जीतने की प्रायिकता बराबर कितनी दी है यहां पर आपको, 0.62। संगीता के मैच जीतने की क्या होगी आपकी प्रायिकता, हो गई प्रायिकता। संगीता अगर मैच जीत रही है, संगीता बाई अगर मैच का कर रही है, जीत रही है, संगीता अगर मैच जीत रही है तो रेशमा हारेगी। अरे मैं और तुम खेल रहे हो, अरे मैं जीत गया मतलब तुम क्या हो गए, हार गए ना, है ना कि नहीं। संगीता अगर मैच जीत रही है तो रेशमा मैच क्या हो रही है, हार रही है। तो संगीता के जीतने के चांस कितने हैं, 0.62। इसको संगीता के जीतने के चांस बोलो या रेशमा के हारने के बोलो, तो रेशमा के हारने के चांस भी कितने आपके, 0.62। लेकिन सवाल ने बोला है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता याद करो, अगर रेशमा जीत रही है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालना है, अगर रेशमा जीत रही है, रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। तो मतलब कि अगर मैं संगीता के हारने की प्रायिकता निकाल लूंगा तो वो क्या निकल जाएगी आपकी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता क्या होगी, संगीता रेशमा तभी जीतेगी ना जब संगीता हारेगी, रेशमा तभी जीतेगी, रेशमा जीत गई मतलब संगीता क्या हो गई, हार गई। तो संगीता हार गई मतलब संगीता जीती नहीं, संगीता जीती क्या, नहीं जीती। यहां पर हम क्या लिख लेंगे, माना, है ना, देखो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब पी, किसकी प्रायिकता, रेशमा मतलब आर, रेशमा आर, आर फॉर रेशमा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, रेशमा जीत रही है मतलब संगीता हार रही है, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता हार गई मतलब नहीं जीती है, बराबर क्या हो जाएगी, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, यहां लिख लेंगे हम क्या, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों बराबर होंगे ना, मतलब पी एस नहीं जीत रही मतलब ऊपर बार लगा देना है, एस एन संगीता नहीं जीत रही मतलब बार लगा देना है, जीतने की प्रायिकता अगर पी एस तो ना जीतने की प्रायिकता हो जाएगी पी एस बार, क्लियर है। अब एक सूत्र होता है, यह क्या होता है आपका, सूत्र, सूत्र आपका होता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है आपका, एक होता है। घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब पी एस, है ना, पी एस, और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता मतलब पी एस बार, है ना। संगीता के जीतने की प्रायिकता और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है आपका, एक होता है,
कोई भी घटना हो, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है आपका? एक होता है। ओ मैडम उतार लियो, हाथ दुख रहा क्या? क्या अच्छा मोच आ गई, चलो है ना, समझो अच्छे से फिर, है ना, और दांत कम निकालो, तो हर पीले पीले दांत हमको अच्छे नहीं लगते, है ना, देखो देख लो, हल्ला नहीं है ना, शांत, मजाक कर रहा हूँ बेटा, देखो देखो देखो, पी एस क्या बोला मैंने, पी एस, पी एस वो कौन सी पिक्चर, रजनीकांत वाली पिक्चर है ना, वो शिवाजी था, वो उसमें ऐसे बजाता ना मुंडी में ना, है ना, टकला होने के बाद, देखो ना पेपर समझो ना, पी एस क्या हो गया आपका, संगीत द्वारा जीतने की प्रायिकता, हल्ला नहीं, संगीत द्वारा मैं जीतने की प्रायिकता, हरकत नहीं होना, हरकत नहीं होना, इतने लोग कम हो गए और कम कर दूंगा मैं, उनको दिक्कत नहीं है, आ रहे समझ में, है ना, देखो पी एस मतलब संगीता के जीतने की प्रायिकता और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा आपका? एक होगा, क्लियर, कितना होगा आपका? एक होगा। अब संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दी है यहाँ पर आपको, पी एस का मान दिया 0.62, कितना दिया है, पी एस का मान कितना दिया है 0.62, धन का हो गया धन, पी का हो गया पी, एस वार का हो गया एस वार, बराबर हो गया एक का एक, क्लियर है, आ रहा आपको समझ में, है ना, ठीक है ना। अब संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता धन संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता, दोनों का आपका योग कितना होगा, आपका एक होगा, कितना होगा दोनों का योग, एक होगा। अब पी एस बार क्या बोला मैंने, पी एस बार बराबर का बराबर, एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ, धन का उस तरफ जाएगा, आगे जाएगा ऋण का, ऋण का 0.62। अब एक में से 0.62 घटाना है, एक मतलब 1.00 में से 0.62 घटाना है, 0.62 घटाना है, उधार देंगे 10 में से 2 कितना बचा 8, 9 में से 6 कितना बचा 3, 0 में से 0 का 0, 0.38 बचेगा, कितना बचेगा, पी एस बार का मान कितना बचेगा 0.38। ये क्या है आपका, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता किसके बराबर है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता के बराबर है, मतलब यही मान किसका है आपका, पी आर के बराबर है, पी आर बराबर पी एस बार है ना, है ना, संगीता हार गई मतलब रेशमा जीत गई, संगीता के हारने की प्रायिकता रेशमा के जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी, लिख लेंगे अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी आपकी 0.38 है, क्लियर, यहां पर हम क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे अतः रेशमा, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता पी आर बराबर कितना 0.38 है, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया, बनेगा नहीं बनेगा सवाल, अरे बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनने वाला, बन जाएगा ना, है ना, किस चीज को टाइम हो रहा है, बाहर वाले कौन कौन है, स्कूल जाना है क्या, जाना है, थोड़ा सा एक सवाल और करवाऊंगा मैं, जिसको समझना है समझ लो, जिसको जाना है जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर इंसान स्वतंत्र है, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है ना पढ़े, कोई व्यक्ति किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, ना मैं तुम पर दबाव डाल सकता हूँ ना तुम मेरे पर दबाव डाल सकते हो, हर इंसान कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, बैठना है बैठो, नहीं बैठना तुरंत उठ के चल जाओ, है ना, कि नहीं ऐसा रहता है। और अब नोवे का अथवा सवाल, मगर अब पढ़ने में मजा आ रहा है, पहले के एक ही अध्याय पढ़ो ना, एक एक अध्याय करने में बोर मारता था, अब लेकिन बदल बदल के सवाल आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, क्यों, अब नोवे का अथवा, नोवे का कौन सा अथवा सवाल, देखो नोवे का अथवा क्या बोल रहा है, सवाल समझना पहले, सवाल क्या बोल रहा है, एक डब्बा में, एक बक्से में, एक बक्से में 3 नीले
दो सफेद और चार लाल कंचे है। कंचे मतलब मार्वल्स है, क्या है मार्वल्स है। एक बक्से में, किसमें देखो, एक बक्से में क्या है यहां पर आपके, तीन नीले, तीन नीले कोमा दो कैसे है, दो सफेद और चार लाल कंचे है। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कंचा क्या है आपका सफेद है, दूसरा सवाल बोल रहा है कंचा कैसा है नीला है, और तीसरा सवाल बोल रहा है कंचा कैसा है लाल है, कंचा कैसा है लाल है। देखो आपके पास एक डब्बा है, क्या है आपके पास एक डब्बा है, देखो जे जे रखा डब्बा इधर 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 जे लो डब्बा है, चॉकलेट है दूं क्या, है ना, अरे नहीं देखो डब्बा है, डब्बा में क्या रखे है कंचे रखे है, छोटे बच्चे कंचे खेलते ना, कंचे कौन कौन से कंचे, तीन कंचे कौन से रंग के आपके नीले रंग के, तीन कंचे कौन से रंग के है नीले रंग के, दो कंचे कौन से रंग के है सफेद रंग के, और चार कंचे कौन से रंग के है लाल रंग के। टोटल कितने कंचे हो गए, तीन और दो पांच और चार नौ, नौ कंचे हैं। अब मैंने उसको ऐसा हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया मैंने कंचों को, मैंने क्या कर दिया हिला दिया। अब तुम बिन देखे हाथ डाल रहे हो, आठ पकड़ में आ गए कंचा, फिर तुमने तो निकाले, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद रंग का हो या नीले रंग का हो या लाल रंग का हो। तो यहां पर हम सबसे पहले प्रायिकता याद करना है, अध्याय 15 का सवाल है, कौन सा सवाल है अध्याय 15 का, एग्जाम्पल आठ, अध्याय 15 का एग्जाम्पल क्या है आठ है, पढ़ा चुका हूं ना मैंने ये, है ना। यहां पर हम डालेंगे हल, और यहां पर हम हल डाल के लिखेंगे दिया है, दिया है। और मैं क्या बोल रहा, देखो फीस इस ला दी करो रे भैया, हाँ मतलब जिसकी नहीं है उसका रीज़न क्या है, देखो फीस मैं बहुत कम ले रहा हूँ यार, फीस आप लोग की मात्र कितनी है 100-150 रुपये महीने की आप लोग की फीस है, और आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम फीस ला दिया करो, है ना, है ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा तुमको भी अच्छा लगेगा। हाँ कल फीस ला के नाम लिखवा देना, है ना, है ना, नोवी में भी कई बच्चे लोगों ने कम से कम 3 महीने 4 महीने हो गए पढ़ ले, फीस देता नहीं यार कोई, देखो ना देखो दिया है, यहाँ समझो क्या बोला, यहाँ पे मैंने दिया है क्या बोला, मैंने दिया आज पढ़ लो 2-3 दिन पढ़ लो ज़्यादा टाइम, फिर 12वीं कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे, है ना 9 से 10 है ना, 12वीं आर्ट्स और 12वीं साइंस दोनों स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस की रहेगी शाम को तुम्हारे तुम्हारे बैच के बाद, मतलब देखो यहां पर समझो दिया है क्या दिया है, यहां पर आपको, यहां पर आपको क्या दिया है, बक्से में कुल कंचों की संख्या, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बक्से में कुल कंचे बराबर कितने, यहां पर आपके 3 नीले 3 धन 2 धन 4, कुल कितने कंचे 4 2 6 3 कितने 9 कंचे है, अतः कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या लिख लेंगे हम, कुल परिणामों की संख्या कितनी है यहां पर आपकी 9 है। अब पहला ज्ञात कर रहा हूं सफेद रंग के कंचा, माना सफेद रंग के कंचे के निकलने की घटना W है, W मतलब वाइट, W फॉर वाइट, वाइट मतलब सफेद, क्लियर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना सफेद रंग के कंचे के निकलने की घटना क्या है यहां पर आपकी W है। तब तब क्या निकाल लेंगे हम, तब प्रायिकता, प्रायिकता P W बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है यहां पर आपका, अनुकूल परिणामों की संख्या,
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। PW को हो गया PW। अब अनुकूल परिणाम मतलब सफेद रंग के कुल कंचे कितने हैं। सफेद रंग के कुल दो कंचे, सफेद रंग के कुल कितने कंचे हैं, दो कंचे हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी आपकी, दो बटे, और कुल कितने कंचे हैं, कुल नौ कंचे हैं। तो कुल नौ में से दो चांस ऐसे हैं, नौ कंचे में से दो कंचे कौन से रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। तो नौ में से दो चांस ऐसे हैं कि निकाला गया कंचा कौन से रंग का होगा, सफेद रंग का होगा, बन जाएगा, क्लियर है। नौ में से दो चांस ऐसे हैं कि निकाला गया कंचा कौन से रंग का होगा, सफेद रंग का होगा, क्लियर है। अगला यहां पर आपको बोल रहा है नीले रंग, निकाला गया कंचा नीले रंग का हो इसकी प्रायिकता निकालना है, कौन सा रंग का हो, नीले रंग का हो। तो माना, यहां फिर से पूरा लिखना है, माना नीले रंग के कंचे के निकलने घटना, नीला, नीला मतलब ब्लू, ब्लू फॉर मतलब बी, बी फॉर ब्लू है ना, क्या है यहां पर आपका बी है। तो यहां पर प्रायिकता निकाल लेंगे पी बी। अब नीले रंग के कंचों की संख्या कितनी है, तीन है, तो इसका आंसर जाएगा आपका तीन, दूसरे का ना, दूसरे का आंसर है ना पी बी, क्लियर है ना। नीले कंचे की संख्या है तीन और टोटल कंचे कितने हैं यहाँ पर आपके, नौ, तो नौ में से तीन चांस ऐसे हैं कि निकाला गया कंचा कौन से रंग का होगा, आपका नीले रंग का होगा। इसी प्रकार आप सफेद लाल का निकालोगे तो लाल के लिए जाएगा चार बटे कितना, नौ, यहाँ पर आर लिख देना, यहाँ पर आर लिख देना, आर फॉर रेड लिख देना, माना लाल रंग के कंचे के निकलने की घटना क्या है, आर है, बन जाएगा सवाल। चलो आज के लिए छः सात